लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इधर आए। मेरे कांग्रेस में जितने राहुल गांधी जी से लेके अशोक गहलोत जी से लेके सचिन पायलट जी से लेके रघु शर्मा तक, मैं चारों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को टिकट देके यहाँ भेजा। इसके अलावा मैं हमारे पूरे जिला कांग्रेस के, चाहे वो शहर के हो या देहात के हो, दोनों प्रेसिडेंट और यहाँ के जितने इनके नीचे इनकी सारी जो टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इनका पूरा 100% सहयोग हमारे साथ रहा। उसके बाद मैं हमारे सारे जो प्रत्याशी यहाँ से पिछले विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, चाहे जीते हुए या हारे हुए, उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। जो सातों आठों विधानसभा के, उन लोग का पूरा सहयोग रहा, उन सबका भी मैं सहयोग दे रहा धन्यवाद देना चाहूंगा। जो हमारे प्रत्याशी कई लोग कांग्रेस से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, जो कांग्रेस में जिन्होंने वापसी करी है या कांग्रेस में जिन्होंने समर्थन दिया है, उन सबका भी पूरा सहयोग गया। मेरी पूरी टीम, जो मेरी अपने कंपनी की टीम भी हमने जो यहाँ पे लोगों को लगाया था, उन सबका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्र लोग, जितने लोग लगे इस चुनाव में, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में जितने भी लोग जो इस चुनाव में मेरे साथ कनेक्टेड रहे, चाहे पूरे सेवा करने के लिए या मेरी दोस्ती के लिए या मेरे साथ लगने के लिए, उन सबका पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में ही सबसे ज्यादा धन्यवाद जो मैं देना चाहूंगा वह अजमेर की जनता का, जो कि मुझे 30 दिन में जिन्होंने इतना बढ़िया तरीके से अपनाया और इतना प्यार और जितनी मोहब्बत उन्होंने मेरे को दी और कहीं मुझे एक सेकंड भी एहसास नहीं देने लगने दिया। जो प्रश्न आप लोग मुझसे पूछते रहे हर टाइम, या पहाड़ी हो ये हो, मुझे एक दिन भी, जिस दिन से मैं अजमेर में घुसा हूँ, अजमेर की जनता ने और मेरे कांग्रेस के परिवार ने एक दिन भी मेरे को ये एहसास नहीं देने लगा। तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल इलेक्शन खत्म हो गए हैं, रिजल्ट 23 तारीख को आएगा, आप लोग सबके सामने होगा जो रिजल्ट होगा। हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं पूरे रिजल्ट का, लेकिन जो कुछ भी मेरे को देखने को मिल रहा है जनता के उत्साह से, जनता के प्यार से और आंकड़ों से, कि कांग्रेस यहाँ से भारी बहुमत से अब जीतने वाले हैं ये सीट, और इसमें मेरे को कोई दो शक नहीं है। बस यही मैं आपसे, और आप लोग के से मिलना नहीं हुआ था से, तो आप लोग को मैंने यहाँ पे बुलाया और आज आप लोग से मिलने का मौका मिले, क्योंकि आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुछ काम से और बहुत जल्दी अजमेर वापस आऊंगा। राजस्थान में और जगह भी चुनाव है अभी, तो और जगह भी जाने का मौका मिलेगा मुझे, और आप लोग से जाने से पहले मिलके एक बार पर्सनली मैं धन्यवाद देना चाहता था, तो इसलिए रखा गया। अगर किसी को कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज मेरे से कर सकते हैं। हम सारे कांग्रेस वाले खड़े हुए थे साथ में, तो भीतरघात कौन करेगा? भीतरघात का कोई प्रश्न ही नहीं होता। आपने कहा कि आप अजमेर करना सही बनाएंगे, अजमेर का कोई क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा और आप नहीं जीत पाए बहुमत, आपसे 23 तारीख के बात करूंगा और सांसद बनने के बाद करूंगा। इस चीज के बाद में आपसे 23 तारीख के बात करूंगा, सांसद बनने के बाद करूंगा। मैंने बताया ना, ये चीज का, इस प्रश्न का सवाल मैं 23 तारीख के बाद आपको दूंगा और स्पष्ट आंसर दूंगा। धनबल का आरोप लगाया करके बहुत पैसा खर्च किया, बहुत पैसा खर्च किया है चुनाव में, सबसे ज्यादा पैसा आपने खर्च किया है, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये पूरे चुनाव में मैं, मेरे को हंसी आती है इस बात पर, मैंने अपने जो मैं औद्योगिक घराने से आता हूँ, आने से पहले मुझे पता था कि मेरे ऊपर ये लांछन लगेगा या मेरे ऊपर ये बात लगेगी कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा बहा रहे हो। A1 से मैंने ये कहा है कि जो मेरी निजी संपत्ति है, जो मेरा निजी है, वो सब कुछ पब्लिक है, वो तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है। उसके अलावा एक पैसा मैं बता दूं जो खर्च करना चाहिए एक इलेक्शन में, जो इलेक्शन कमीशन के रूल है और जो पार्टी ने मेरे को सपोर्ट किया है और जो कार्यकर्ताओं ने मदद करी है और सामाजिक संस्थानों ने मदद करी है, जो पैसा कोई और खर्च करता है, चाहे वो आम से आम कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा हो या मैंने चुनाव लड़ा है, इसमें कहीं भी आपको एक पैसे का भी अंतर नहीं नजर आएगा। हमने कोई धनबल से चुनाव नहीं लड़ा है। अगर धनबल से चुनाव लड़ना होता तो चुनाव बहुत अलग तरह से लड़े जाते हैं, वो भी मुझे पता है, लेकिन हमने जो वो जनबल की बात करते हैं वो हमारे साथ था। हमने 30 दिन में बिल्कुल एक स्वच्छ कैंपेन रन किया है,
बिल्कुल स्वच्छता की बात करिए, एक भी नेगेटिव कैंपेन नहीं रन किया है और सिर्फ दो ही मुद्दों को लेकर रन किया है, जो रोजगार और पानी को लेकर और जनता के बीच में भी इसी को लेकर गए। कहीं इसमें कोई पैसे धनबल इन सब की बात ही नहीं आती है। चुनाव ही मुद्दा बनाना है उनको तो बनाएंगे, ठीक है, उनको ये कहने का पूरा हक है। बिल्कुल कायम हूँ, इसीलिए मैंने कहा इस जवाब इसका जवाब आपको 23 के बाद खुद ही मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा। और कर्म भूमि है मेरी लिस्ट में, मैं फिर देख रहा हूँ दो साल पहले अगर पूछते तो पॉलिटिक्स को जो लोग बाहर से देखते हैं, पॉलिटिशियंस को जो सब हमारे सामने बैठे हैं यहाँ पे कहीं नहीं भी बैठे, उनको आप सब दिन रात एक कोसते रहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन ये करता है वो करता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरे को पता चला है ये कितने मेहनत का काम है, कितनी लगन का काम है, और ऐसे कोई बात नहीं है जो लोगों के ऊपर ये बता के रखते हैं कि भाई पॉलिटिशियन है तो पैसा खाते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मेरा जो अनुभव रहा है ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, और मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है आम पॉलिटिशियन की, वो मेरे लिए अगर पहले यहाँ थी तो आज मेरे लिए कहीं ऊपर जाके वो हो गई है, हर एक पॉलिटिशियन के लिए, चाहे वो अक्रॉस किसी भी पार्टी के लिए हो। जीत का आंकड़ा तो 23 तारीख को आपको खुद पता चल जाएगा, नहीं मैं इसमें अनुमान करना ही नहीं चाहता, लेकिन मैंने जब कह दिया, अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम ये चुनाव जीतना जा रहे हैं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसका 23 तारीख को पता चलेगा। मैं इसमें पढ़ूंगा ही नहीं, मैं इस मामले में पढ़ूंगा ही नहीं, इसके एनालिसिस का कोई अंत ही नहीं है, आप भी कर सकते हैं मैं भी कर सकते हैं, लेकिन जीत इसमें पक्की हमारी 23 तारीख को। आपके आने से पहले कांग्रेस में बिखराव था, अब आपके सब आने के बाद सब संगठन एक हुए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ जो मैंने पहले अपने धन्यवाद में कहा कि सारा संगठन और जो संगठन के बाहर भी जो लोग थे सब एकजुट होकर जिस तरह से चुनाव लड़ा है, आप 8 विधानसभा में ले लीजिए, किसी भी एक विधानसभा में कहीं पे कोई दो लोग अलग नहीं थे, सारे लोग पूरा कांग्रेस का परिवार, और जिन्होंने स्पष्ट करके कहा कि हम कांग्रेस को समर्थन करते हैं या कांग्रेस में वापस आए, ये सारे लोगों ने पूरा समर्थन अपना दिया है और सारी कांग्रेस एक होकर लड़ी है। आपने कहा अजमेर को मैं अपनी कर्मभूमि बनाया, यही शब्द सचिन पायलट जी ने कहा, लेकिन वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ गए। नहीं, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अजमेर के लिए आज भी पायलट साहब के दिल में जो है और जो काम करते रहते हैं वो पीछे से अजमेर के लिए, ये मुझे पता है। तो कर्मभूमि होने का मतलब ये नहीं है कि आज सचिन जी अगर कहीं और से खड़े हो गए तो उनका अजमेर से नाता नहीं है, वो आए थे अजमेर में, अजमेर के जनता का उनके प्रति जो प्रेम है वो एक चुनाव लड़ने से नहीं होता, वो जब आप किसी जगह को अपनाते हो, कर्म भूमि बनाते हो और वहां से लगाव रखते हो तभी वो बनता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा लगन प्यार सचिन जी को यहाँ के लोगों ने दिया है उसका आधा भी मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। कर्म भूमि है मेरे, रिजू जी ये आपने पहला चुनाव लड़ा अपने जीवन का, किस तरह का अनुभव रहा है इन चुनावों के? बहुत बढ़िया अनुभव रहा, मैं सच सच बताऊं अगर तो मेरे को इसके पहले आप मेरे से 2 साल पहले अगर पूछते तो पॉलिटिक्स को जो लोग बाहर से देखते हैं, पॉलिटिशियंस को जो सब हमारे सामने बैठे हैं यहाँ पे कहीं नहीं भी बैठे, उनको आप सब दिन रात एक कोसते रहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन ये करता है वो करता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरे को पता चला है ये कितने मेहनत का काम है, कितनी लगन का काम है, और ऐसे कोई बात नहीं है जो लोगों के ऊपर ये बता के रखते हैं कि भाई पॉलिटिशियन है तो पैसा खाते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मेरा जो अनुभव रहा है ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, और मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है आम पॉलिटिशियन की, वो मेरे लिए अगर पहले यहाँ थी तो आज मेरे लिए कहीं ऊपर जाके वो हो गई है, हर एक पॉलिटिशियन के लिए, चाहे वो अक्रॉस किसी भी पार्टी के लिए हो।